देश में बीते 14 दिनों से रोजाना कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को भी 13,086 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 24 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट ने घबराहट पैदा कर दी है। तो वहीं इजराइल के वैज्ञानिक डॉक्टर शाय फ्लीशोन का दावा है कि भारत के 10 राज्यों में यह सब वेरिएंट मिला है। आपको बता दें कि अब तक भारत समेत 8 देशों में इस नए सब वेरिएंट के 85 केस सामने आए हैं। 2 जुलाई तक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल में इसके 69 केस मिले। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि जैसे जैसे वायरस कमजोर पड़ेगा उसके नए सब वेरिएंट आते रहेंगे। तो वहीं देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 112,761 हो गई है। पिछले 6 दिनों में एक्टिव केस का आंकड़ा 1,00,000 के पार रहा, इसमें कमी नहीं आई। हालांकि रविवार के मुकाबले सोमवार को कोरोना के नए मामलों में 23% की कमी देखी गई। तो वहीं देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए, इनमें से केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल है। सबसे ज्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हालांकि सोमवार को महाराष्ट्र के नए मामलों में 36% की कमी देखी गई, लेकिन केरल और तमिलनाडु में रोजाना 2,000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।